बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 46 है और इसमें हमने एक न्यूमेरिकल 3.7 देखना है। न्यूमेरिकल से पहले बेटा सुने कि एक केस हमने देखा था कि एक स्ट्रिंग के अपोजिट एंड पर दो मैसेज को बांध दिया जाता है और फिर उनको एक पुली के ऊपर, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गिराया जाता है, लटकाया जाता है, फिर वो मूव करती है। अगर तो दोनों हैंगिंग पोजिशन में होंगी, वर्टिकल पोजीशन में होगी, उसके लिए केस ये था कि एक्सेलरेशन और टेंशन हमने फाइंड कर दी थी लास्ट टाइम। जब दोनों वर्टिकल पोजीशन में होगी, एक बॉडी जो अपवर्ड मूव कर रही होगी, दूसरी डाउनवर्ड मूव कर रही होगी। लेकिन जो सेकंड केस है, जो आज हमने जिसका न्यूमेरिकल देखना है, इसमें एक बॉडी वर्टिकल पोजीशन में होगी, दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मौजूद होगी, टेबल पर मौजूद होगी। इसमें जो बॉडी वर्टिकल मूव करेगा वो M1 होगा, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होगा वो M2 होगा। यहां पर मेरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही कंसीडर की जाएगी। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। टू मैसेज 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। दो मैसेज हैं, फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रहे हैं। एक है 26 किलोग्राम, दूसरा है 24 किलोग्राम। 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। 26 किलोग्राम टेबल पर है तो ये M2 होगा। 24 न्यूटन मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। 24 किलोग्राम मैस जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, वो M1 होगा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जी, सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे इसका। M1 इज इक्वल टू 24 किलोग्राम। जी, M2 इज इक्वल टू 26 किलोग्राम। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जी, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2। इसमें जो कि एक बॉडी वर्टिकल पोजीशन में है, इसलिए एक्सेलरेशन के फार्मूले में m1g होगा, m2 जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। m1 24 मल्टीप्लाई 10 ओवर 24 प्लस 26। जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 10 240 डिवाइडेड बाय 50, तो ये 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। नाउ वी फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। टी इज इक्वल टू m2g ओवर m1 प्लस m2। अब इसमें टेंशन का फार्मूला जो है सबसे पहले लिखा जाएगा और फिर उसमें वैल्यूज पुट की जाएंगी। पुटिंग वैल्यूज इन द फार्मूला, m1 24, m2 26 मल्टीप्लाई 10 ओवर 24 प्लस 26। टेंशन इज इक्वल टू 125 न्यूटन। तो ये बच्चे आपका न्यूमेरिकल 3.7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।